हम्पी एक ऐसा शहर है कर्नाटका में जहां रामायण की कई घटनाएं हुई है। यहां आज भी विजयनगर राज्य का इतिहास देखने और समझने मिलता है। अगर आप नहीं जानते कि हम्पी कहां है तो आपके पास रखे हुए 50 रुपए के नोट पे इसकी एक छोटी सी झलक आपको देखने मिल जाएगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे साथ हमारे हम्पी ट्रिप पे और आपको इसकी एक छोटी सी कहानी भी सुनाते हैं। गणपति अप्पा। और यार यह हमारा सडन प्लान था तो हमने आनंद टॉयल के वेबसाइट से बस बुक किया टू हॉस्पेट। ये बस हमने वाशी से 6:30 PM पकड़ा जो हमें छोटे ब्रेक्स डिनर ब्रेक्स लेते हुए अराउंड 8 AM तक हॉस्पेट ड्रॉप कर दिया। हम्पी जाने के लिए हॉस्पेट कॉमन स्पॉट है बाय बोथ बस एंड ट्रेन। यहाँ पर उतर कर हमने चाय नाश्ता किया। 300 रुपीज में रिक्शा लेके हम पहुँचे अपने होम स्टे। यहाँ बहुत सारे स्टे ऑप्शन अवेलेबल है बट वी हाईली रिकमेंड यू RKS होम स्टे। ये स्टे न्यू हम्पी में है और यहाँ की ओनर वानी आंटी बहुत ही स्वीट एंड हेल्पफुल है। यहाँ हमने 2 nights के लिए स्टे किया विच कॉस्टेड अस 1200 रुपीज पर नाइट। हमारे ये रूम बहुत ही स्पेशियस था विच अटैच बाथरूम एंड 24/7 हॉट वाटर। अगर आप हमारे तरह लेस क्राउडेड पीसफुल होमली फील करना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली बुक दिस स्टे। रूम में रेस्ट करके हम निकल पड़े एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे ये स्टे 3 किलोमीटर दूर है हम्पी से बट यहाँ से आपको इजीली ऑटो रिक्शा शेयर रिक्शा बस अवेलेबल है। डे 1 पे हम बहुत कंफ्यूज थे कहाँ से स्टार्ट करें, इसलिए इस वीडियो में हाउ यू कैन एक्सप्लोर हम्पी, शुड यू रेंट अ रिक्शा और बुक अ बाइक, इज देयर अ नीड टू हायर अ गाइड, ये सारे टॉपिक्स को कवर किया है ताकि आप हमारे तरह कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर 2 से 3 शॉप्स ही अवेलेबल है जो बाइक रेंट पे देते हैं। द बाइक रेट हियर विल स्टार्ट फ्रॉम 700 रुपीज पर डे। हम्पी में मोपेड इजीली अवेलेबल है जो आपको 400 रुपीज पर डे क्रॉस करेगा। रिक्शा सब ऑल्सो अवेलेबल हियर विच विल कॉस्ट यू 800 रुपीज टू 1200 रुपीज पर डे। हमने हम्पी बाय वॉक एक्सप्लोर किया एंड ट्रस्ट मी वी रियली एंजॉयड इट। हम्पी 2 parts में डिवाइडेड है। साउथ हम्पी जहां आपको सारे मॉन्यूमेंट्स और विजयनगर किंगडम का हिस्ट्री देखने मिलेगा और नॉर्थ हम्पी जिसे अनिगुंडी भी बोलते हैं। यहाँ अंजनेया पर्वत पे हनुमान जी का बर्थ प्लेस है। यहाँ पर पहले हिप्पी आइलैंड भी हुआ करता था जो अभी डिमोलिश हो गया है। वी विल रिकमेंड यू टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हम्पी फ्रॉम विरूपाक्षा टेम्पल एंड एंड इट एट विजय विठला टेम्पल। अभी हम लोग निकल रहे हैं हम्पी एक्सप्लोर करने के लिए। अरे हम लोग विरूपाक्षा टेम्पल जा रहे हैं और यहाँ मस्त गुलाबी ठंडी पड़ रही है, बहुत ही मस्त ठंडा ठंडा मौसम है। हम्पी के सेंटर में विरूपाक्षा टेम्पल भगवान शिव और माता पार्वती को डेडिकेटेड एक बहुत ही सुंदर और बड़ा मंदिर है। जाते हैं तो भगवान जी को है ना साष्टांग नमस्कार करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर नीचे कावन किए गए। तो बाहर हम लोग ने एक मंदिर देखा जहाँ पर उनका है ना मुंह एक खंडित हो गया था, 3 मुंह था ना उनको, तो वो यहाँ पर थे पहले मंदिर। फिर तो बाद में आते हैं वो क्योंकि मूर्ति खंडित हो गया है, मूर्ति खंडित हो जाने के बाद में हम लोग कोई भी मूर्ति मंदिर के सामने नहीं रखते तो इसलिए अभी यहाँ पर 3 नंदी को बिठाया है अलग अलग। इसका नाम है ईश्वर तीर्था सिद्धिलिंगा। तो यहाँ पर ना लोग तुंगभद्रा रिवर से जो है पानी लेके आते हैं, इसमें पानी डालते हैं, उसपे एक बेलपत्र रख के आप अगर मन्नत मांगे तो ऐसा मानते हैं यहाँ पर कि 1 ईयर में आपका मन्नत जो है पूरा हो जाएगा। इसके अंदर पानी डालते हैं। ये मंदिर के रक्षक है, इनको याली गजराली बोलते हैं। तो ये ना 5 प्रकार के हाइपोथेटिकल एनिमल जो है मिला के
का मूर्ति बनाया गया है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये हॉर्स का टेल है जो स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। लायन का बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर जो हॉर्स का ईयर है ना वो कनिंग है, और यहाँ पर जो एलिफेंट का ट्रंक है ट्रेडिशन एंड कल्चर को इंडिकेट करता है, और ये मोर पंख जैसा आपको जो डिजाइन दिख रहा है वो वर्शिप लॉर्ड को वर्शिप कर रहे हैं ऐसे इंडिकेट करता है। पेंटिंग्स है बहुत सारे युग का, जैसे आप मानते हैं कि शिवा पार्वती जी का यहाँ पर शादी हुआ था, तो यहाँ पर शिवा और पार्वती जी का शादी का जो पेंटिंग्स है, और तो यहाँ रामायण का भी बहुत सारा पेंटिंग आपको दिखेगा। This pinhole camera method was made to invert the shadow of Gopuram so that people could come and take the blessing of the temple. इसके बाद हम गए शिवजी के दर्शन लेने। यहाँ पर हमने बहुत टाइम स्पेंड किया मंदिर के कल्चर, आर्किटेक्चर, गोपुरम और सीलिंग पेंटिंग को देखते हुए। इस मंदिर में रहने वाली प्यारी सी हाथी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद लेकर हम बाजू में बहने वाले तुंगभद्रा रिवर के पास आ गए। ये रिवर बहुत ही बड़ा सुंदर है और यहाँ बैठकर हमें बहुत अच्छा फील हुआ। हम्पी के हर एक मॉन्यूमेंट्स में ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स है जिसके बारे में यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और ब्लॉग्स पढ़े, ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में बता सकूं। हमने यहाँ हम्पी में बहुत सारे लोगों को क्लूलेसली घूमते और फोटो क्लिक करते हुए देखा है विदाउट नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट वॉन्ट टू हायर अ गाइड। तो आपको अगर इन डिटेल्स के बारे में जानना है ताकि आप मॉन्यूमेंट समझ सके, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक देखिए। अगर आप विरुपक्ष टेम्पल से लेफ्ट लोगे तो आपको इस तरफ हेमकुंटा हिल्स, सासवेगढ़ गणपति और कडलेकाई गणपति, ये सब आपको देखने मिल जाएंगे। विरुपक्ष मंदिर से बाहर आते ही ये लेन आपको सीधा कडलेकाई गणेशा के पास लेके जाएगी। गणपति, और ये मंदिर में जो गणपति अभी हम लोग देखने वाले हैं वो 18 feet टॉल गणपति है, और ये जो मंदिर है ये पहले इंस्टॉल हुआ है आइडल इसका, फिर इसका आउटर जो है मंदिर का भाग बना है जहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल खड़े हैं। कडलेकायू इन कन्नड़ा मीन्स क्लोज बीन। ये गणेश जी की मूर्ति बहुत बड़ी और गोल मटोल है, उनका पेट एक क्लोज बीन की तरह दिखता है, इसलिए इन्हें कडलेकायू गणेशा बुलाते हैं। ये गणेश जी को देखकर विनायक अपने आप को रोक नहीं पाया उन्हें हग करने से। तो यहाँ हम भी अगर आप पिलर्स देखोगे तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कार्विंग किया गया है। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर आपको सासवे काड़ू या मस्टर्ड गणेश जी दिखेंगे। तो ये गणपति का नाम है सासवे काड़ू गणपति, यानी मस्टर्ड सीड गणपति। तो ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब श्री कृष्ण देव राय यहाँ पर राज करते थे, वहाँ पर बहुत दूर देश से एक ट्रेडर आए थे जो मस्टर्ड सीड सेल करते थे, उनको इतना प्रॉफिट हो गया कि उन्होंने उसलिए यहाँ पर वो प्रॉफिट से गणपति बनाया है। अगर आप यहाँ सीधे गणपति देखेंगे तो आपको नॉर्मल ऐसे दिखेगा कि गणपति जी बैठे हैं, बट अगर आप पीछे तरफ देखोगे तो गौरी गणपति का आपको रूप दिखेगा।
पीछे देख सकते हो कि गौरी गणपति का आपको रूप दिख रहा है, या गौरी जी गणेश जी को लेके आपने मांडी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि गणेश जी का हाइट गौरी जी से बड़ा है, इसलिए आपको गणपति जी पहले दिखते हैं और उसके पीछे गौरी जी। कृष्णा टेम्पल, ये टेम्पल कृष्णा जी को डेडिकेटेड था, यहाँ पर अभी भी रिस्टोरेशन का काम चालू है। तो अभी हम लोग कृष्णा टेम्पल में है, तो अगर आप एंट्रेंस पे देखोगे तो दो गोपी लोग दिखेंगे आपको, और ये जो ऊपर सर्कल गए हैं ये विष्णु जी के 10 अवतार जो है इसमें बताए गए हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर कार्विंग जो है बताया है। ऊपर की तरफ अगर एंट्रेंस पे आप देखोगे तो राहु केतु का आपको कार्विंग दिखेगा। एंट्रेंस पे आपको ऐसे गोपी लोग खड़े हुए दिखेंगे, और फिर ये जो सर्कल्स है यहाँ पर ये विष्णु जी के 10 अवतार है। कृष्णा जी कृष्णा टेम्पल के जस्ट सामने कृष्णा बाजार भरा करता था, जहाँ पर कपड़ा धन धान्य सोना चांदी की ट्रेडिंग हुआ करती थी। ये व्यू इमेजिन करते ही ऐसा लगता है कितना रिच और समृद्ध हुआ करता होगा ये राज्य। तो हम लोग अभी कृष्णा टेम्पल में हैं, आप यहाँ पर अगर ये टेम्पल विजिट करोगे तो आपको ये यहाँ पर अलग अलग कलर पे बहुत सारे सुंदर सुंदर कार्विंग देखने मिलेंगे, और यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है कृष्णा जी का, बट यहाँ के पिलर्स पे इतना सुंदर और बारीकी से काम किया गया है कि देखकर लगता है उस जमाने में कैसे लोग इतना सुंदर काम करते रहेंगे। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ कोई नहीं था, यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड करके यहाँ पर बहुत सारे फोटोज क्लिक करके हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। कृष्णा टेम्पल के इन ब्यूटीफुल रास्तों के नजारे लेते हुए हम पहुंचे अपने अगले मॉन्यूमेंट बड़ा भी लिंगा और योगा लक्ष्मी नरसिम्हा के पास। बड़ा भी लिंगा के बाजू में ही योगा लक्ष्मी नरसिम्हा का मंदिर है, यहाँ पर नरसिम्हा जी जो है योगा पोजीशन में बैठे हैं, उनके लेफ्ट मांडी पे लक्ष्मी जी बैठे हैं, बट अभी वहाँ पर लक्ष्मी जी का आइडल आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट वहाँ पर एज अ प्रूफ उनका हाथ है, तो अगर आप मूर्ति देखेंगे तो आपको वहाँ पर लक्ष्मी जी का जो है हाथ भी दिखने मिलेगा। ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है योग लक्ष्मी नरसिम्हा। ये मूर्ति एक सिंगल रॉक से बनाई गई है और इसमें आज भी इतने बारीक डिटेलिंग है जिसे आप देख के मेस्मराइज हो जाएंगे। हमने रिसेंटली मदुराई मीनाक्षी टेम्पल विजिट किया और वहाँ के म्यूजियम में हमें योगा लक्ष्मी नरसिम्हा का कंप्लीट रेप्लिका देखने मिला। इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल। हम्पी में ये मूर्ति खंडित है, मगर ये मूर्ति बहुत सुंदर है, इसे देखते ही बस देखते रहने का मन करता है। Even if ruined, this is the most favorite and beautiful attraction of Hampi and is a must visit. Badavi Linga. इस शिवलिंग को आपने बहुत सारे Instagram reels पे देखा होगा, but क्या आप जानते हैं कि ये शिवलिंग विजयनगर राज्य के एक छोटी सी गरीब लड़की ने अपने मन्नत पूरी होने पे बनाया था? मंदिर जो आपने अभी देखा वो 3 फीट टॉल शिवलिंग है यहाँ पर, और ये कृष्णदेव राय के टाइम में एक गरीब लड़की ने बनाया था। ये एक्टिव मंदिर नहीं है क्योंकि यहाँ का जो गोपुरम है वो डिस्ट्रॉय किया गया है इसलिए, और 2 फीट तक हमेशा पानी में सम्मर्ज रहता है। इस टेंपल के बाहर एक वाटर कनाल है जिससे इस मंदिर में पानी आता है, सिग्निफाइंग हाउ स्ट्रॉन्ग द वाटर सप्लाई सिस्टम वॉज इन द किंगडम। अगर आप हमारे तरह बाय वॉक हम्पी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ से आपको ऑटो लेना पड़ेगा टू सी लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल, क्वींस पार्क और पुष्करनी। ये प्लेसेस सारे एक दूसरे के पास है एंड यू कैन विजिट दिस प्लेसेस टू एक्सपीरियंस द रॉयल्टी ऑफ द किंगडम। ऑल्सो ऑल दिस प्लेसेस आर इंस्टाग्राम फ्रेंडली। यहाँ से हम वापस पहुंचे हम्पी मार्केट, वहाँ हम फ्रेशन अप हुए, चाय नाश्ता किया, और क्योंकि शाम होने को थी सनसेट पॉइंट जाने का डिसाइड किया। हम्पी में 2 सनसेट पॉइंट है, पहला हेमकुंटा पर्वत और सेकेंड मातंग हिल्स। हम चले मातंग हिल्स, रास्ते में हमें बहुत बड़े नंदी जी दिखे,
इन्हें यहाँ पर लोग मोनोलोटिक बुल के नाम से भी जानते हैं। नंदी द्वीप पे आज भी बहुत ही फ्रेश कलर्स प्रेजेंट है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो इन्हें कोई त्योहार के लिए सजाया गया हो। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम ट्रैकिंग करके पहुँचे मार्तंग हिल्स के टॉप पे। तो यहाँ पर नॉर्मली लोग ना सनसेट और सनराइज देखने के लिए आते हैं, बट यहाँ पर नीचे जहाँ पर हम लोग अभी गए थे वहाँ शंकर जी का अवतार है, वीरभद्र अवतार, तो वहाँ पर लोग विजिट नहीं करते, यहाँ पर भी विजिट करना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे मार्तंगा हिल तो जरूर विजिट कीजिए यहाँ पर। हमारा बेस्ट डिसीजन था, यहाँ से आपको ब्यूटीफुल सनसेट के साथ पूरा विजयनगर राज्य का व्यू भी देखने मिलता है। तो इस ब्यूटीफुल सनसेट को एंजॉय करके इस तरह हमने अपना डे वन इन हम्पी कंप्लीट किया। हम्पी के सेकेंड डे के ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे अच्युतराया टेम्पल, द किंग बैलेंस, सुग्रीव केव, विजय विठला टेम्पल, जहाँ फेमस स्टोन चैरिट है। तो हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो